हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटी आलू फ्राई पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा इस यम्मी चटपटी स्नैक्स है। बहुत मज़ा आता है इसको खा के। आप इसे कभी भी कहीं भी बना के खा सकते हो। ये मैंने दो आलू इस तरह से शेप में कट कर लिया है, धो के रेडी कर लिया। साथ में मैंने थोड़ी हरी मिर्चियाँ भी ले ली है। बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट बनती है। आप इसे चाय के साथ या बहुत सारी चीज़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैंने 4-5 चम्मच इसमें बेसन डाला है, इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा रोस्टेड जीरा डाल सकते हैं, रोस्टेड जीरा के जगह पर आप अजवाइन या डायरेक्ट जीरा भी डाल सकते हैं, पर मैं रोस्टेड जीरा घर में रखती हूँ इसलिए मैं रोस्टेड जीरा डालूँ। इसका टेस्ट और मज़ेदार होता है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेना हाथों से। स्पून ना यूज़ करें क्योंकि स्पून से फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ऐड करना है। और हमें इसे गीला नहीं करना है, सूखा भी नहीं रखना है। मीन्स ऐसा हमें मिलाना है कि आलू में अच्छे से ये बेसन लग जाए, बस इस तरह से। और उसके बाद गरम गरम तेल में इसको डाल के फ्राई कर लेना है, जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था। गरम कढ़ाई में गरम तेल करके रखा था, डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है शांति से, क्योंकि कच्चे आलू में थोड़ा टाइम लगेगा इसको फ्राई होने में। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, झटपट बनता है। जब मूड थोड़ा सा चटपटा करने का मन हो तो फ्राई करके ये इसे खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन कलर में हो जाएगा। अगर हाई फ्लेम में आप बना रहे हो तो आपके पकौड़े जल जाएंगे, जो थोड़े से मेरे पहले जल गए थे ये देखिए। और इसके बाद ये आपकी पकौड़े रेडी हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करिए बनाने के बाद। थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा काली मिर्च, काला नमक, जो आपके पास हो वो सब ऐड करिए। अच्छे से ऊपर कोट करिए और इसको अच्छे से मिक्स करके। लाल मिर्च रोस्टेड मैंने लिया। इसको चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खाइए। मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ सैलेड के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे सैलेड के साथ, इसलिए मैं इसको सैलेड के साथ प्लेटिंग कर रही हूँ। ये मेरी प्लेटिंग हो गई। जब प्लेटिंग हो गई उसके बाद मैं फिर से इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा रोस्टेड जीरा और चाट मसाला। ये जितना रोस्टेड जीरा और चाट मसाला लो उतना इसका टेस्ट बढ़ते जाता है। ये मेरी प्लेटिंग हो गई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए और मेरी वीडियोस को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।